नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में कॉलेज चॉइस के बाद अब आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर अब आगे हमें क्या करना है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीजीटी भर्ती के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो पीजीटी में आप लोग जानते हैं 30 अक्टूबर यानी आज से इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, और 20 विषयों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, फाइनल रिजल्ट। 3 विषयों का रिजल्ट अभी बाकी है, तो एक दो दिन में आ जाएगा, यानी उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो पीजीटी की भर्ती की बात करें तो पीजीटी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कॉलेज चॉइस भी हो चुकी है, और जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं और उनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है, तो उनसे दोबारा कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं, यानी उनसे दोबारा कॉलेज चॉइस करवाई जानी है। तो अगर पीजीटी की बात करें तो फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप बचता है, वो है कॉलेज अलॉटमेंट का, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट लास्ट स्टेप होगा, तो उम्मीद है कि जैसे 3 विषयों का जो भी रिजल्ट बाकी है एक दो दिन में आ जाएगा, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपका अलॉटमेंट होगा आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, और उसके बाद चयन बोर्ड 2-4-5 दिन के अंदर ही बाई ईमेल, ठीक है, सभी जिला विद्या निरीक्षकों को जो है आपका पैनल भेज देगा कि इस अभ्यर्थी की इस विषय में इस कैटेगरी से ज्वाइनिंग नियुक्ति हुई है, सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आप लोग DIOS ऑफिस में जा करके वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको पीजीटी के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मुश्किल से देखा जाए तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम और लगेंगे आपको नियुक्ति पत्र मिलने में। 15 से 20 दिन बाद सभी जो चयनित हैं, चाहे वो TGT के हों चाहे PGT के हों, आप सब अपने अपने कॉलेजों में टीचिंग कार्य कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो पीजीटी के बारे में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं TGT की तरफ। दोस्तों आप लोग जानते हैं TGT की भर्ती में इस बार इंटरव्यू नहीं था। जब इंटरव्यू नहीं था तो सीधा सिलेक्शन जो हुआ रिटर्न एग्जाम के बेस पर हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम के बेस पर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनका जो कॉलेज अलॉटमेंट कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है 29 अक्टूबर से, ठीक है, और सभी छात्रों ने कॉलेज चॉइस कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक स्टेप और बचता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। TGT के जो भी अभ्यर्थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ, जबकि PGT वाले जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम हो जाता है। तो अब TGT भर्ती की बात करूँ तो इसमें आपका अगला स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करें हैं, चाहे वो आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन बीएड की सर्टिफिकेट, पीजी की सर्टिफिकेट, यानी जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो लगेंगे, साथ में जो रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट आपका हो गया, ठीक है, SC ST का सर्टिफिकेट जो होता है, PWD का जो हो गया, PH का हो गया, ये सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं एक्स सर्विसमैन और जो भी होते हैं ये आपको लगेंगे, ठीक है, जो आपने सबमिट किया होगा। इसके बाद फिर आती है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की, चरित्र प्रमाण पत्र की, ठीक है, डोमिसाइल की, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं ऑनलाइन वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फिजिकली चयन बोर्ड जा करके चेक करवाने होंगे। तो उम्मीद है कि चयन बोर्ड 2-4 दिन में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो डिक्लेयर कर देगा, और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस दिन आपको वहाँ पर जो प्रिंट आउट आपने निकाला होगा कॉलेज चॉइस करने के बाद जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसका भी प्रिंट आउट निकाला होगा आपने, तो वो चीज़ें या सारे मूल डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है, वो वहाँ पर लेकर के जाने होंगे, वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका लास्ट स्टेप बचता है कॉलेज अलॉटमेंट का। जिन अभ्यर्थियों का सफल वेरिफिकेशन हो जाएगा उन अभ्यर्थियों को फिर चयन बोर्ड कॉलेज अलॉटमेंट कर देगा। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि जैसे अभी देखा होगा TGT का रिजल्ट आया, इसमें बहुत से रिजर्व कैटेगरी की अभ्यर्थी हैं जो कि अनरिजर्व में चयनित हुए हैं। तो शुरुआत वाले दिन क्या हुआ था कि जो रिजर्व कैटेगरी है के छात्र हैं उनको अपने ही कैटेगरी के कॉलेज दिख रहे थे, जबकि उनका चयन UR मतलब अनरिजर्व में हुआ है। बहुत सारे छात्रों ने कॉलेज चॉइस अपना रिजर्व कैटेगरी में ही भर दिया है जबकि उनका चयन अनरिजर्वड में हुआ है। तो चयन बोर्ड के पास ये पूरा डेटा जब गया है, डेटा सबमिट हुआ है, लेकिन बाद में
एक दो दिन बाद जो है वो वेबसाइट सही कर दी गई थी और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र अनरिजर्व में चयनित हुए थे उनको अनरिजर्व के कॉलेज ही दिखाई दिए। तो कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी कैटेगरी के ही कॉलेज भर दिए, कुछ अभ्यर्थियों ने बिल्कुल सही भरा है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अभी एक डाउट और है कि जिन रिजर्व जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उन्होंने रिजर्व कैटेगरी के ही कॉलेज भरे हैं तो फिर उनका कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा। ऐसे में हो सकता है कि जो चयन बोर्ड है एक मौका और दे रिजर्व कैटेगरी वाले छात्रों को दोबारा कॉलेज चॉइस करने के लिए जिनका चयन यूआर में हुआ है। ध्यान रखना मैं सभी रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जिनका चयन अनरिजर्व में यानी यूआर में हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है मौका और एक बार देगा आपको, तो अगर मौका देता है तो रिजर्व कैटेगरी वाले छात्रों को जो है उनको एक मौका मिल लेगा, उसके बाद वो कॉलेज चॉइस करेंगे एक दिन या दो दिन में, उसके बाद आपका टीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट का मतलब है कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट, ठीक है। जैसे कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद फिर आपको संबंधित जिलों में जाना होगा, चयन बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जो पैनल होता है सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का वो जो है सभी जिलों में बाई मेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जब जिलों में पैनल पहुंच जाएगा तो वहां पर आप लोग अपना संबंधित जिले के डीआईएस ऑफिस में जा करके जिस जिले में आपका चयन हुआ है वहां के डीआईएस ऑफिस में जाना है और वहां अपने सारे एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर के जाना है। कोशिश करें दो तीन सेट बनवा लें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको कई जगह लगेंगे, कम से कम तीन सेट बनवा लेना क्योंकि एक आपका लगेगा डीओएस ऑफिस में, एक लगेगा आपका मैनेजर के ऑफिस में, एक लगेगा आपका प्रधानाचार्य के ऑफिस में मतलब स्कूल में। तो कम से कम तीन सेट आप लोग जरूर बनवा लेना, ठीक है। और आपका फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जैसे जिलों में पैनल पहुँचेगा तो वहाँ से आपका सारा कुछ पता चल जाएगा। जिलों में जाकर के डीओएस ऑफिस के जो क्लर्क होते हैं उनसे बात करके पैनल अपना ज्वाइनिंग लेटर लेना है, ज्वाइनिंग लेटर के आपको जो है अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद फिर उनका इंटरनल प्रोसेस होगा एक थोड़े बहुत दिन का, एक दो दिन का, यानी प्रिंसिपल के पास जाएंगे आप तो प्रिंसिपल फिर मैनेजर को फॉरवर्ड करेगा, मैनेजर से अप्रूवल होगा, आपके जो कागजात हैं जो नियुक्ति पत्र होगा वो सब रेडी होगा, एक दो दिन का टाइम लग जाएगा और आपकी फाइनली जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक से दो दिन के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है कॉलेज वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हैं आपको, तो आप लोग अपना रेडी रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें अब नहीं लगेगा। चयन बोर्ड बहुत फास्ट काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है चयन बोर्ड के ऊपर, तो मुश्किल से मुझे लगता है 15 से 20 दिनों के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर आप कॉलेज में पहुँच कर अपना शिक्षण कार्य जो है कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा विशेष रूप से कि जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे किसी की सर्टिफिकेट नहीं थी, मार्कशीट अपलोड कर दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप लोग अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, अभी भी टाइम आपके पास है। डिग्री अगर मिल जाए डिग्री निकलवा लीजिए, डिग्री नहीं मिलती तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। किसी का अगर ग्रेजुएशन में या बीएड में इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो अपना जाकर के यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट नंबर लीजिए, ये सारे काम कर लीजिए क्योंकि बाद में नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आधार पैन सबसे ज़्यादा जरूरी है, आधार पैन में सेम नाम होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पिता का नाम भी सेम होना चाहिए। आधार पैन आपके हर जगह ये लगेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉलेज में नियुक्त हो जाएंगे तो आपका जो इनकम टैक्स भी कटेगा, तो पैन में सारी डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, आधार में सारी डिटेल्स बहुत बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कुछ बाई चांस की बात है, कुछ अगर डिस्परेंसी है, कुछ अलग है, तो उसको आप मॉडिफिकेशन करवा लीजिए। आधार में संशोधन हो जाता है, पैन में भी संशोधन हो जाता है, तो संशोधन करवा लीजिए, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।